हेलो एंड वेलकम बैक टू वी व्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग सबको। अभी अभी सुबह उठा हूँ, तो अभी आज मेरा बाइक का सेकंड सर्विसिंग कराने जा रहा हूँ। तो पहले वहाँ जाएंगे, उसके बाद वहाँ से भैया के घर जाएंगे। तो चलो अभी घर में कुछ तब सो रहे, तो ज़्यादा व्लॉग नहीं करेंगे, तो अभी चुपचाप से चलते और सीधे मिलते हैं मोटर व्लॉग पे। दूर भाग गए घर से निकलते ही पूरा पानी पानी हो गया। तो गाइस, मैं आज ज़्यादा मोटो व्लॉग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बारिश दे रहा है, इसके रिगार्डिंग हम ज़्यादा मोटो व्लॉग नहीं कर पाएंगे। तो चलो चलते आगे तक, देखते क्या होता है। अगर बारिश रुक गई तो फिर मोटो व्लॉग करेंगे, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा आज तो, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है, अगर ये भी ख़राब हो गया तो ख़त्म। अरे यार हाँ बंद है। तो यार पूरा वो होके रखा है, कपड़ा भी है नहीं भाई साहब, खतरनाक। भाई एवरेज देखो तुम लोग, 24 की एवरेज। इंजन ऑयल चेंज किया मुझे लिटरली 20 से लेके 24, उसके ऊपर मिला ही नहीं भाई। अभी हाईवे पे देखते हैं, क्रूज करेंगे, उसके बाद कितना निकल के आता है। भैया नाइट्रो नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं है ना, दे दीजिए होगा, अभी नहीं खुला ही नहीं है कहीं। हाँ हाँ अच्छा अच्छा नहीं मतलब अभी जाते जाते फिर टायर गर्म हो जाता है ना, बहुत गर्म होता है ना। हाँ क्योंकि ये जो सीमेंट का रास्ता उसमें ज़्यादा ही गर्म होता है हीट। हाँ ऐसा में तो नहीं होता, लेकिन वो सीमेंट में तो ज़्यादा ही हीट होता है। पीछे कितना डाला है? 35 और आगे 28। 20-25 ना। पता नहीं दोस्तों आप लोगों को कैसा आ रहा है एंगल, नहीं पता। हाँ लेकिन मतलब ऐसे करो तो बाइक पूरा नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे फ़ोन में वाइड एंगल नहीं है। वाइड एंगल नहीं होने का एक ही डिसएडवांटेज ये है कि हम ज़्यादा वाइड शूट नहीं ले पाते, तो इसलिए आपको सिर्फ मेरा बाइक का व्यू दिख रहा है, तो फिर ऊपर का व्यू नहीं दिख रहा है। अगर ऊपर का व्यू दिख रहा है तो फिर नीचे का व्यू नहीं दिख रहा है, तो सीन कुछ ऐसा है। तो सॉरी गाइस इसके लिए, और हाँ मैं ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द मैं एक अच्छा GoPro ले सकूँ ताकि आप लोगों को अच्छा अच्छा वीडियो क्वालिटी दे पाऊँ। मौसम देख सकते हो आप लोग, पूरा एकदम ठंडा हो चुका है, होल नाइट बारिश हुआ, इसकी वजह से मैं तो सोचा आज जा ही नहीं पाऊँगा क्योंकि फिर बाइक नहीं लेके जाना। दोस्तों आप लोगों को मेरा वॉइस क्वालिटी कैसा आ रहा है पता नहीं, कोल्ड होके रखा है, तो उसके वजह से आपको थोड़ी मेरे वॉइस में चेंजेस दिख सकता है आप लोगों को, तो इसके रिगार्डिंग।
तो काम कर रहा और ऊपर से मैं आज बारिश में भीग भीग के जा रहा हूँ। तो आगे चल के रुकेंगे, रुकने के बाद हम मैं ईयरफोन डालूँगा कान पे, ईयरफोन डाल के सीधे चलाएगी। हाँ ऐसे चलाना नहीं चाहिए, मुझे पता है ऐसा नहीं चलाना चाहिए, लेकिन हाँ बस देख के मैं इतना रैश ड्राइविंग नहीं करूँगा कि हाँ मुझे पीछे वाले का हॉर्न सुनाई नहीं देगा। मैं आराम आराम से मिरर दे के चलाता हूँ ताकि मुझे भी प्रॉब्लम ना हो और दूसरों को, मेरे वजह से दूसरों को भी प्रॉब्लम ना हो। तो बस हाँ यही बात है। मुझे बस एक शॉप दिख जाए, मैं रुक जाऊँ वहाँ पे। और मेरा गला वो रेगुलर ब्लॉग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। हाँ कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को रेगुलर ब्लॉग चाहिए, तो मैं ट्राई करूँगा कि हमेशा डेली ब्लॉग करने का आऊँगा डेली। और हाँ ऐसे भी डेली दिखाने में क्या दिखाऊँ मैं घर पे, और मम्मी कैमरे के सामने आती नहीं है, पापा तो गुस्से वाले हैं, वो तो आएंगे ही नहीं। पापा तो कैमरा ले फ़ोन ऐसे सेल्फी खींचते भी बोलते क्या हर टाइम सेल्फी सेल्फी करते रहते हैं तुम लोग। और अभी तक मुझे माइलेज 26 का मिल रहा है, पता नहीं आगे जाके कितना का मिलेगा। अब तुम्हारे आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। ओए 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 जो गाए दिल मेरा, पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। ओए 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 चुरा के दिल तेरा, हम दूर भागे तेरे बिना। कौन लगाता है भाई तुम्हें, चाकर भी न चाहे करे जो मन मानिए मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के ये क्रॉस हो गया। अरे भाई साहब अभी देखो 32 का एवरेज निकल के आ रहा है। हाँ मतलब ठीक है कि मैंने जो देखा था वीडियो पे यूट्यूब पे देखा था मैंने किसी के चैनल पे, तो उसका 37 का निकाल के आ रहा था एवरेज, तो मेरा निकल के आ रहा है 32। मैं जबकि क्रूज करके चला रहा हूँ। अरे सब गाय माता आ गई थी सामने, अभी अभी हादसा होते होते बच गया। गाइस आप लोग एक बात कमेंट पे बताना कि मेरा मोटो व्लॉगिंग आपको कैसे लग रहा है, बोलने का तरीका उस, हाँ पता है क्वालिटी ठीक नहीं है बट बोलने का तरीका क्या बताना कि कैसा है कैसा नहीं है।
इधर पे ऐसे कौन छोड़ देता है भाई, गाय भैंस बकरियों को ऐसे मत छोड़ा करो यार। कोई स्पीड पे आएगा फिर रात आप लोग तो रहोगे नहीं, फिर ठोक के चला जाएगा, बेचारों का जान भी चला जाएगा। इससे तो अच्छा अपने घर के सामने कोई अगर जगह है तो उसमें बांध के रखो, या फिर घर के सामने ही छोड़ दो, ऐसे हाईवे पे मत छोड़ा करो यार। गाइस सी कितना मजा आ रहा है भाई ऐसे मौसम। दूर और फिर पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। मुझे इस रोड से मतलब मैं इस रोड पे मतलब इस हाईवे पे जब मैं कॉलेज पे पढ़ता था तो हमेशा मेरे इधर से आना जाना रहता था, तो मुझे ना इस रोड का एक ही चीज खराब लगता है, क्या बंदे ना उल्टे साइड से आते हैं, रॉन्ग साइड से, और कहीं से भी क्रॉस कर लेते हैं भाई। ये देखो ये अभी मैं बता रहा था ये उल्टा आ रहा है। इन इन बेवकूफ लोगों के लिए ही एक्सीडेंट ज्यादातर होते हैं, उल्टे कौन आते हैं भाई। महाशय को देख लो लटक के चल रहे भाई, किसी ना किसी कारण अगर ऊपर वाले ना करे, अगर टूट के गिर गया तो खत्म है सीन। ये देखो इन महाशय को देखो, पिलियन था, पिलियन ने भी हेलमेट नहीं पहना, राइडर ने भी हेलमेट नहीं पहना, और ऊपर से रॉन्ग साइड से चल रहे। पेट्रोल का ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी भी है 6 बार है अभी भी। सीधा हम कल ही डलवाएंगे गुवाहाटी से क्योंकि वहाँ पे 2 रुपये सस्ता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट से 2-3 रुपया कम है, हमारे यहाँ पे तो 109 है। हम दूर भागे तेरे बिना।